HBHW News, हम हैं आपके दिल की धड़कन और यह है आपका अपना चैनल। हमसे जुड़ने के लिए हमें करें सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। पटना के मीठापुर में स्थित श्री राज ट्रस्ट नर्सिंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी ने पूरे पटनावासियों को धनतेरस, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा एवं छठ महापर्व पर हार्दिक शुभकामना दी। उन्होंने सभी पर्व त्योहारों को पूरे सावधानी एवं संजीदगी से मनाने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने डेंगू के प्रति भी सावधान रहने की बात कही। धनतेरस के बारे में बतलाते हुए उन्होंने कहा कि मुद्रा रूपी धन नहीं बल्कि स्वास्थ्य रूपी धन को बेहतर बनाने का ये दिन है, क्योंकि स्वास्थ्य एवं आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी इसी दिवस को समुद्र मंथन के क्रम में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। दीपावली के बारे में उन्होंने बतलाया कि भगवान राम के आने के उपलक्ष्य में यह प्रकाश उत्सव मनाया गया। साथ ही इसकी वैज्ञानिकता को समझाते उन्होंने बताया कि दीपों की प्रज्वलित लो में हानिकारक कीड़े मकोड़े भस्म हो जाते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है और सभी पर्वों में छठ महापर्व भी हमारी सभ्यता संस्कृति की एक अनमोल और वैज्ञानिक महत्व वाला महापर्व है, जो हमें प्रकृति से सीधे सीधे जोड़ता है। हम प्रकृति की रक्षा करें और इसे स्वच्छ रखें, तभी प्रकृति हमारी रक्षा कर सकेगी। घर से लेकर समाज और प्रकृति की हमेशा सफाई एवं स्वच्छता का ख्याल रखें, छठ पर्व का यही संदेश है। चित्रगुप्त पूजा और छठ पूजा और धनतेरस में आपका स्वागत है, और बताइए सर, क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? निश्चित रूप से अभी जो है जी, वो पर्व का सब कह सकते हैं कि एक त्योहार है, लगातार सिलसिला चल रहा है जी सर, और यह हमारे जीवन में उत्साह, उमंग और दीर्घ संकल्प दिखाता है। जैसे छठ पूजा है, ये बहुत महत्व की पूजा है, बहुत महत्तम की पूजा है, इसके जैसा तो कोई और पर्व है नहीं, नहीं। इसके साथ साथ आज धनतेरस है, जिसको लोग धनतेरस कहते हैं, धन का इकट्ठा करना, लेकिन नहीं, इसका मतलब हुआ स्वास्थ्य धनतेरस, स्वास्थ्य का रक्षण करना, स्वास्थ्य के प्रति सजग होना, ये धनतेरस हुआ। धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। तो धन मतलब वो अर्जित करना, वो धन नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, इसे स्वास्थ्य धन को अर्जित करने वाला, चूंकि धनवंतरी स्वास्थ्य के रक्षक को देवता हैं, चिकित्सा के देवता हैं, उसके जयंती पर मनाए जाते हैं। उन्होंने भी यही कहा था, स्वस्थम धन रक्षण, कि धन से पहले स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा होगा तभी धन रक्षा होगी, अगर स्वास्थ्य रक्षा नहीं होगी तो धन की रक्षा नहीं हो सकती है, धन फिर विचलित हो जाएगा। तो स्वास्थ्य की रक्षा करना पहला है, प्रथम निरोगी स्वस्थ काया, स्वस्थ काया जो है वही निरोग रहे तभी सब कुछ धन है, यही धन है। इसके साथ दीपावली है, ये हमारे उत्सव, प्रकाश उत्सव का पर्व है, जिसमें हम लोग अपने जीवन में ज्योति प्रकाश पुंज लाते हैं और भगवान श्री राम के आदर्शों को पालन करते हैं और उसके आदर्श पर चलते का कृत संकल्प होते हैं। और उस दिन से चूँकि अयोध्या आए थे भगवान अहंकार पर विजय प्राप्त कर करके, तो उस रावण को लंका दहन कर करके, तो वो अनैतिक पर नैतिकता का जीत भी माना जाता है और भगवान श्री राम है, तो इस तरह से उसमें हम लोग भी उसको मनाते हैं और धूमधाम के साथ मनाते हैं, दीपावली बनाते हैं, दीप प्रज्वलित कर मनाते हैं। और इसका और भी वैज्ञानिक कारण भी कई सारे हैं, इसके साथ समावेशित है, जिससे क्या होता है कि कुछ कीट पतंग भी है उसमें आकर करके, जो हानिकारक है, जिसका प्रकोप अभी बढ़ जाता है, अभी देखिए डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है। तो चूंकि अगर सच में अगर दीपावली बनाएंगे तो उस समय क्या होता है, कीट पतंग बहुत सारे उसमें आकर के मर जाते हैं, आकर्षित प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है और सब आकर करके हानिकारक कीट पतंग मर जाते हैं। तो उस ये भी एक वैज्ञानिक कारण है दीप जलाने का। मैं सभी को आग्रह करूँगा, जो हमारे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि बौलावली न बनाए, सिर्फ बौल जलाने से दीपावली नहीं बनती है, दीप जलाने से दीपावली बनती है। तो दीप जलाइए, दीप का प्रकाश फैलाइए,
और जीवन में भी ऐसा ही उजाला लाइए, जो उजाला दिखता है वो नहीं, सच्ची में उजाला लाइए। तन मन धन से दीपावली मनाइए, तीनों तरह से, तन और मन धन से, एक दूसरे से गले मिलिए, जो नीचे है उसको अपने साथ लाइए, आगे बढ़िए, यही दीपावली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों सभी को। हम हैं आपके दिल की धड़कन और यह है आपका अपना चैनल। हमसे जुड़ने के लिए हमें करें सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।